बेस्ट सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है कैमरे वाला प्लॉटर। जी हाँ दोस्तों, प्लॉटर विद कैमरा। ये कैमरा क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको दिखाते हैं कैमरे वाला प्लॉटर कैसे काम करता है और ये क्यों आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, ये जो कैमरे वाला प्लॉटर है इसमें आप स्टिकर कटिंग कर सकते हैं, सबसे पहला मेजर काम। और बाकी जो मोबाइल स्क्रीन का बिजनेस आप करना चाहते हैं वो मोबाइल स्क्रीन का बिजनेस भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। और इसमें टेम्पर्ड ग्लास भी कट हो सकता है, जो इसके साथ रॉ मेटेरियल मिलेगा 9H 10H, वो भी इसमें कट हो जाएगा। यूवी शीट्स आ गई हैं आजकल, वो भी कट होकर आपका पूरा यूवी प्रोटेक्टर इसमें लग जाएगा। ये सारी कटिंग इसमें हो जाएगी, इसमें आपको डिज़ाइन सारे मिल जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कैसे ये काम करता है। पहले तो मैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, आप लोगों के पास दो तरीके की स्क्रीन मार्केट में मिलती हैं, एक की जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी छोटी होती है और एक जो चौड़ाई में ज़्यादा होती है। तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ यही जो शीट है, जो बड़ी वाली शीट है, ये प्लॉटर में चलेगी। लेकिन दोस्तों, ये छोटी शीट भी आप किसी भी साइज़ की शीट प्लॉटर में चला सकते हो। ये भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि छोटी शीट प्लॉटर में कैसे चलाते हैं। तो अभी पहले हम बड़ी शीट काटेंगे, फिर हम छोटी शीट भी काटेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने शीट ले ली है, प्लॉटर ऑन कर दिया है, बहुत ही इजी है इसको चलाना। आपको जस्ट ये शीट यहाँ पे रखनी है, ये अपने आप ऑटो फीड करेगा। यहाँ पे इसने शीट को फीड कर लिया है। अब यहाँ पे हम मोबाइल पे जाएंगे, जो हमने काटना है हम मोबाइल पे चले जाते हैं। ये मोबाइल पे यहाँ पे सारे कंपनीज आ गई हैं। अब मेरे को काटना है सैमसंग S23 Ultra। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या आप कंपनी में जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं S23 Ultra, सर्च। यहाँ पे देखिए ये दो मॉडल आ गए हैं, सैमसंग S23 Ultra। हम ये 5G वाले में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्रंट फिल्म, अगर आपको फ्रंट स्क्रीन गार्ड काटना है तो वो भी काट सकते हैं। बैक फिल्म में चले जाते हैं, ये बैक फिल्म काटनी है, फुल काटनी है, हाफ काटनी है, दोनों काट सकते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लोजन प्रूफ फिल्म, यहाँ पे जो कैमरा प्रोटेक्टर होता है वो भी आप काट के लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बैक फिल्म में आ गए हैं, बैक फिल्म काटते हैं। ये फुल बैक है, ये हाफ बैक है, ये हम हाफ बैक काटते हैं। ये बैक फिल्म आ गई और जस्ट हमें बटन दबा देना है कट। बहुत इजी है इसको चलाना, बहुत आराम से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। आज की डेट में मेरा मानना है कि हर मोबाइल भाई के पास ये जरूर होना चाहिए। कस्टमाइज स्किन में बहुत ज़्यादा कमाई आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। स्क्रीन गार्ड काट सकते हैं। जनरली आपको क्या होता है, पूरा स्क्रीन गार्ड का स्टॉक रखना पड़ता है, आपको स्टॉक नहीं रखना। इसमें स्क्रीन गार्ड में अलग अलग टाइप के स्क्रीन गार्ड आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9H आता है, 10H आता है, यहाँ पे आपका UV आता है, आजकल UV सबसे ज़्यादा चल रहा है, UV आता है। बैक फिल्म आप काट सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं कंप्यूटर से, इसके थ्रू कमांड देके प्रिंट करके। प्रिंट करने के बाद कस्टमर कहते हैं कि हमें फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो चाहिए या बेटे की फ़ोटो चाहिए, अपनी फ़ोटो लगानी है, वाइफ की फ़ोटो लगानी है, तो कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। और कस्टमाइज़ में आप जानते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लागत आती है बहुत कम और पैसा मिलता है बहुत अच्छा। इस वक्त ये कटिंग हो रही है, इसकी हम स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये 40 की स्पीड पर चल रहा है, अगर हम 100 की स्पीड पर करेंगे तो और तेज़ फास्ट काम करेगा। ये काट दिया इसने, ये कटिंग हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा है वो हमने निकाल दिया। ये जो शीट है 3 लेयर शीट है, इसको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं हिला डुला के, उसके बाद हम इसको यहाँ पे ये जो सेकंड लेयर है वो निकाल देंगे। ये निकाल के हम हल्का सा चिपका देंगे और स्क्रूजी की मदद से कम्प्लीटली इसको चिपका देंगे। ये देखिए आधा चिपक गया है, अब बाकी का आधा चिपकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर लग चुका है। और एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे हीटिंग पेन, इसकी मदद से हम कोनों को थोड़ा सा हीट करके चिपका देंगे ताकि ये प्रॉपरली चिपक जाए, कोनों से उखड़े ना। तो किस तरीके से पेन यूज़ होता है, बहुत आसान है। जस्ट चार्जर है, चार्जर आप इसमें लगा दीजिए, चार्जर को लगा दीजिए
अभी थोड़ा सा वेट करना होगा हीट होने का। जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का है, जब ये हीट होगा तो अपना कलर बदल देगा। देखिए किस तरीके से कलर बदल रहा है अपना। और ध्यान रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा देर तक ऑन करके नहीं छोड़ना है। ये देखिए दोनों तरफ से कलर बदलना ऐसे शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ से ये हीट होना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये लग गया है। और हीटिंग पैन भी हमारा हीट हो चुका है। और हीटिंग पैन हीट होने के बाद देखिए इस तरीके से आप कर देंगे तो यहाँ से प्रॉपर टाइटली ये फिक्स हो जाएगा कॉर्नर से, ये उखड़ेगा नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। सो दोस्तों ये था तरीका बैक स्कैन लगाने का, बहुत इजी तरीका है। और इसके आप 200-250 रुपये इजीली आप कस्टमर से ले सकते हैं। और अगर आप इस पर कवर लगाना चाहें तो इसके बाद कवर भी इसके ऊपर लग जाता है। हमारे पास कुछ यूवी शीट्स हैं, तो इस यूवी शीट को हम लगाएंगे स्क्रीन गार्ड की तरह। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, देखने में टीपीयू जैसी लगती है, लेकिन टीपीयू में क्या होता था, जब हम यहाँ पे नाखून मारते थे तो उस पर टीपीयू पे निशान आ जाता था। जैसे अभी इस पर टीपीयू लगा हुआ है, जैसे ये देखिए मैंने ये नाखून मारा, ये निशान आ गया इसमें। टीपीयू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती थी, ये देखिए नाखून से इस तरीके से ख़राब भी हो जाता है टीपीयू। लेकिन ये यूवी शीट है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इस तरीके से ख़राब नहीं होती और लॉन्ग टर्म चलने वाली होती है। तो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा यूवी की शीट ही चल रही है। ये बेस्ट सर्विसेज की अलग अलग मोटाई की, मैट में, क्लियर में, अलग अलग आती हैं। तो हम इसमें लगाएंगे। और इसका भी कट करना बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया इसको जस्ट हमने यहाँ पे ऐसे रख देना है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया। अब हमने काटना है फ्रंट फिल्म। ये फ्रंट फिल्म में आ गए, S23 अल्ट्रा का ही काट देते हैं। ये फ्रंट फिल्म हमने दबा दिया और जस्ट हमने दबाना है कट का बटन। यहाँ पे जो फोर्स का बटन है ये प्रेशर का है, अलग अलग शीट के हिसाब से अलग अलग प्रेशर देना पड़ता है। तो वो जब आप प्लॉटर बाय करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी आइटम कितने पे कटेगी। या हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं, वो बात की बात है। अभी हम इसको कट करते हैं। 600 पे हमने फोर्स सेट कर दिया और कट का बटन दबा दिया। ये देखिए कटिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप छोटी शीट काटना चाहते हैं तो ये इसके साथ तो शीट आती है, इसके ऊपर रख के, अगर छोटी शीट है तो इसके ऊपर रख के पूरा अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ऊपर रख के इसको पूरा अंदर डाल सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं छोटी शीट के लिए। अभी ये कटिंग हो गई है, ये आप देखें कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये 3 लेयर है, इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हल्का ग्लू रहेगा। अब हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 लेयर और है जिसको हम लास्ट में उतारेंगे, जो कि ये 3 लेयर में आता है, इसको हम बाद में उतारेंगे, पहले इसको सेट कर देंगे। इसका बीच का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ये भी निकाल देते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, अगर आपने ऐसे लगा भी दिया तो कितनी बार भी मर्जी इसको उतार के आप लगा के एक बार ही सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको सेट कर देते हैं। देखिए हमने सेट कर दिया, मामूली सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको उठा के हम सीधा कर देते हैं। ये इस पर हमने लगा दिया है इस तरीके से, ये बबल आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम इसकी 1 लेयर निकालेंगे। पहले हल्का सा इसको हम थोड़ा स्कूजी से कर देते हैं, फिर इसको ऊपर उठाएंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेयर है ये देखिए हमने इस तरीके से खींच ली और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। बहुत आसान है, आप कोई भी लगा सकते हैं इसको। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से करेंगे, जो इसकी एक्स्ट्रा लेयर है उठा दी और ऐसे इसको खींच दिया, ऐसे साइड में से लगा देंगे इसको। अब ये जो कर्व फिल्म है इसको लगाने का तरीका होता है, ये देखिए यहाँ से साइडों में से नहीं चिपक रही है, तो इसका तरीका क्या है, यहाँ से देखिए साइडों में से नहीं चिपक रही है ना कर्व फिल्म। इसमें दो साइज आते हैं, पतला और मोटा। जो कर्व के लिए होता है वो पतले वाला होता है। उसके बाद हम इसकी जो ऊपर की एक्स्ट्रा लेयर है वो उतार देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा लेयर हमने इसकी उतार दी, जो प्रोटेक्शन लेयर है। तो टोटल कितनी लेयर हो गई, 4 लेयर हो गया ये। अब हम इसको स्कूजी की सहायता से चिपका देंगे। ये देखिए अब आराम से चिपक गया। जनरली कुछ कस्टमर को यही प्रॉब्लम आती है, वो ऊपर की लेयर उतारे बगैर चिपकाने की कोशिश करते हैं, वो चिपकाने में दिक्कत आती है। देखिए प्रॉपर चिपक गया। और अभी इसको हम और इसको हार्ड कर देंगे यूवी की मदद से। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था हीटिंग पैन, इसकी मदद से हम इसको कर देंगे, फिर इसको हम डालेंगे यूवी में। ये यूवी लग गया है। अब हम इसको यूवी में डाल के यूवी ग्लू जो है उसको हार्ड कर देंगे यूवी मशीन में डाल के। ये हमारी यूवी मशीन है, SM618 मॉडल नंबर है इसका, और सी टाइप से चलती है। कोई भी मोबाइल का चार्जर आप इसमें लगा सकते हैं। ये हमने मोबाइल का चार्जर ले लिया, इसको लगा दिया, ये ऑन हो गई है।
जस्ट हम इसमें मोबाइल रख देंगे, ये हमने मोबाइल रख दिया इसमें। ये यूवी लाइट होती है, ये लाइट जलती है जिसकी वजह से ये ग्लू हार्ड हो जाता है। और इसको हम यहाँ पे यूवी पे दबा के यूवी प्लस वैक्यूम कर देंगे। पहले 10 सेकंड ये वैक्यूम करेगा। ओनली यूवी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यूवी और वैक्यूम करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और 180 सेकंड ये आपका यूवी लाइट जलेगी, यूवी करेगा। तो हम इसको 3 मिनट वेट करते हैं। ये बंद हो गया है, अब हम इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लग चुका है स्क्रीन गार्ड और बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है। और इसमें अब यहाँ पे आपके निशान भी नहीं आएंगे। अगर हम ये खुरचते भी हैं, नाखून भी मारते हैं तो निशान भी नहीं आएंगे। ये होता है यूवी। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो प्लॉटर है ये है आपका कैमरे वाला सेंसर वाला प्लॉटर। तो इसमें यहाँ पे जैसे ये स्टिकर्स है, इसकी कटिंग करनी है तो इनकी कटिंग हम कर सकते हैं इसके द्वारा। यानी कि आपके जो प्लॉटर में एक एक्स्ट्रा फीचर बढ़ गया है स्टिकर कटिंग का। तो यानी कि स्टिकर का बिजनेस भी कर सकते हो, खुद प्रिंट करके, खुद निकाल के इसकी कटिंग करके आप मोबाइल के पीछे लगा सकते हैं और बहुत सारी जगह ये स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। पूरी की पूरी शीट, स्टिकर शीट भी सेल आउट कर सकते हैं। तो एक बिजनेस आपका बढ़ जाता है इसके कैमरा होने से। तो ये जो आप कैमरे वाला मॉडल देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बेस्ट सर्विसेज पे। सो फ्रेंड्स, जो हमने शीट प्रिंट करी है वो इसको इस शीट पे लगा देंगे, इसको चिपका देंगे इसके ऊपर और इसको हम अंदर डालेंगे। सेट करने के बाद रोलर डाउन कर देंगे। यहाँ पे हमने फाइल ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, जस्ट हम अभी स्टार्ट स्कैन दबाएंगे और यहाँ पे एक अब डिटेक्ट कर रहा है, स्टिकर शीट को डिटेक्ट करेगा और फिर कटिंग करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आराम से, कितनी इजीली और कितनी परफेक्टली ये कटिंग कर रहा है। और ये स्टिकर मेकिंग कैसे करें, अगर प्लॉटर आप हमसे बाय करेंगे तो इसकी पूरी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसको लैमिनेशन भी कर सकते हैं, ये हमने बिना लैमिनेशन के निकाला है, इसको आप लैमिनेशन भी कर सकते हैं। कोई भी स्टिकर आप ले सकते हैं। ये आप देखें कितनी बढ़िया कटिंग हो रखी है, आप कटिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया हाई क्वालिटी कटिंग हो रखी है। मोबाइल पे भी आप लगा सकते हैं इसको। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत स्टिकर और कितने परफेक्टली इससे कट हो जाते हैं। तो आप ये प्लॉटर ले सकते हैं और इसमें मोबाइल का काम, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा लैपटॉप के भी सारे मॉडल्स हैं और कैमरा, जो कैमरा होते हैं DSLR और सभी टाइप के कैमरा के भी मॉडल्स हैं, उनको भी कट कर सकते हैं आप। और मोबाइल के तो है ही हैं, और भी बहुत सारे इसमें मॉडल्स हैं। साथ के साथ आप इसके साथ कर सकते हैं स्टिकर कटिंग का बिजनेस। सो फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए, अभी ये प्लॉटर आपका ऑफर में चल रहा है। अगर आप इसको खरीदते हैं ये वीडियो आने के 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपको मिलती है 200 शीटें, 200 एम्बोज शीट बिल्कुल फ्री इस प्लॉटर के साथ। और एम्बोज शीट की कॉस्टिंग आपको पता ही है, लगभग 25 रुपए के आसपास इसकी एम्बोज शीट की कॉस्टिंग होती है। 200 शीटें आपको इसके साथ फ्री मिलने वाली है। तो जल्दी करें, एक महीने के अंदर अंदर इसको बुक कराएं, परचेज करें। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, आप यहाँ पे आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप आ नहीं सकते तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको बाय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान रहे इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो हो सकता है आपके किसी दोस्त यार भाई के काम की हो, तो इसको अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।